हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपीपीएससी 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। ये 2 घंटे का रहता है, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें, शाही बुलबुल। इसे 1 नवंबर 1981 में शामिल किया गया था और पशु है बारहसिंगा और बरगद वृक्ष है यहाँ का। इन्हें भी, इन दोनों को भी 1 नवंबर 1981 में 25वीं वर्षगांठ में मध्य प्रदेश की में सम्मिलित किया गया था। और मध्य प्रदेश का खेल है मलखम, जिसे 2013 में सम्मिलित किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप है, तो ए ऑप्शन सही है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये 5 मई 2010 को स्थापना हुई इसकी, और इसका अभी जो करंट में वो इसके चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल, और इसकी बेंच बेंच सुप्रीम कोर्ट में लगती है। और फर्स्ट इसके चेयरमैन थे वो लोकेश्वर सिंह थे। और इसका जब गठन स्थापना हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया थे। चलिए तीसरा देख लेते हैं। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन सही है, सिक्किम। ग्लोबल फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड अभी 2018 में सिक्किम को मिला है। चौथा क्वेश्चन को एमबीपीएससी ने हटा दिया था क्योंकि गलत था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है, तो बी ऑप्शन सही है, घृत कुमारी। छठवा क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे द्वारा विकास संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो ए ऑप्शन सही है, रासायनिक ऊर्जा। सातवा देखते हैं। मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है, तो ए ऑप्शन सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो ए ऑप्शन सही है, सिंधु क्षेत्र। नौवां क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, 22 अप्रैल को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन द बर्निंग फॉरेस्ट, नंदिनी कुमार सुंदर ने लिखा है, वन इंडियन गर्ल्स चेतन भगत ने लिखी है, जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस ए करण दोषी ने लिखा है, आइसलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल ये लिखी है मंजुला पद्मा नाभन ने, डी ऑप्शन इसमें है सही। ग्यारहवा है अपना, वर्ष 2017 मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई, तो सी ऑप्शन है, संपत्ति हुई के। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, तो सी ऑप्शन सही है, 27। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो बी ऑप्शन सही है, सलील परेख। 14वां देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो बी ऑप्शन है, 189। और IMF की स्थापना बता दें 27 दिसंबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय Washington DC में है। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसे 15 को मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो इसे MPSC ने हटा दिया था क्योंकि इनमें से ऑप्शन सही नहीं था। चलिए 16वां देखते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो सी ऑप्शन सही है, 2005 में। 17वां देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है, तो डी ऑप्शन सही है, 6 दिसंबर 2017। अब 18 देख लेते हैं। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है, तो डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। 19वां देखते हैं। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही है, जैन। 20वां देखते हैं। प्राचीन काल में किस बैंड को सार्थ वाह भी कहा जाता था, तो सी ऑप्शन, बेस। 21वां देखते हैं। संघों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, सी ऑप्शन सही है, उज्जैन।
22वां देखते हैं, शेर शाह का उत्तराधिकारी था तो इस्लाम शाह, बी ऑप्शन। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। 23वां देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी, तो सी ए ऑप्शन सही है, सूरत। 24वां देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी विहीन है, यह कथन किसने द्वारा कहा गया, तो ए ऑप्शन सही है, सिस्टर निवेदिता। 25वां देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, सी ऑप्शन सही है, ईसोप मेयरली। इनके बारे में बता दें हम कि इनका जन्म 23 सितंबर 1903 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 2 जुलाई 1955। इनने कुछ पुस्तकें लिखी, द फर्स्ट पुस्तक है इनकी द प्राइस ऑफ लिबर्टी और दूसरी है ए टिप टू पाकिस्तान। चलिए अब 26वां देखते हैं, फिलैंड फिलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया, ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 27वां, निम्न किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, चरण पादुका नरसंहार को, ये छतरपुर जिले में है। 28वां देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा, बी ऑप्शन सही है, ये 2525 किलोमीटर है। 29 देखते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो कार्डमम, सी ऑप्शन सही है। 30वां देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो डी ऑप्शन है, ये 9 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और MP 5 राज्यों को सीमा लगती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। 31वां देखते हैं, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो गोदावरी बेसिन, सी ऑप्शन है। 32 देखते हैं, भारत जल डमरू मध्य किस किस किन नहीं भारत जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका, सी ऑप्शन इसमें। इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंसन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो डी ऑप्शन सही है, इसमें भूमध्य रेखा पर। 34 देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन सही है, बाघों के लिए। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, वही मंडला MP में है। 35वां देखते हैं, 35वां, नेपा नगर का संबंध किस उद्देश्य से, तो बी ऑप्शन है, अखबारी कागज, ये बुरहानपुर MP में 1947 में चालू हुआ था। 36 देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है, तो ये ऑप्शन सही है, जबलपुर में। 37वां देखते हैं, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसमें कृषि। 38 देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है, तो सी ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो सी ऑप्शन है, जस्टिस GD दीक्षित। आपको ये जस्टिस NDओझा, ये 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक रहे, और जो जस्टिस PV दीक्षित हैं, ये 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक रहे, और जस्टिस GP सिंह ये 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक रहे। अब 40वां देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, तो डी ऑप्शन 213। आपको यहाँ बता दें कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब सदन का कोई भी सदन सत्र नहीं चल रहा हो, और जब सत्र चलने लगता है तो 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित करवाना अनिवार्य होता है, वरना कि कानून खत्म हो जाता है। चलिए, 41 हटा दिया गया था MPSC के द्वारा, क्योंकि इसका जो भी हो रहा हो। 42 देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया, तो
ए ऑप्शन सही है 1951। 43 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन है 371 गा, मेघालय से संबंधित नहीं है, यह है अपना मणिपुर से संबंधित है। 371 का नागालैंड से संबंधित है, 371 खा असम से संबंधित है, 371 गा मणिपुर से संबंधित है, 371 घा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 44 देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो डी ऑप्शन है 84, और एसटी के लिए है अनुसूचित जनजाति के लिए 47, और मध्य प्रदेश की बता दें एससी के लिए 4 सीटें लोकसभा में, और एसटी के लिए 6 सीटें, और मध्य प्रदेश में विधानसभा में एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अब 45 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश नहीं है, ए ऑप्शन गलत है, 18 नहीं है यहाँ 11 है, राज्यसभा की सीटें आंध्र प्रदेश में 11 हैं, उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं और यूपी में 31 हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में है। चलिए 46 देखते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1957, ये ग्वालियर में है, बी ऑप्शन है इसमें से। 47 देखते हैं, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से, डी ऑप्शन सही है। 48 प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ए ऑप्शन सही है, विश्वनाथ आनंद। ये राजीव गांधी पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया, वो 2018 का मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला। 49 देखते हैं, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। 50 देखते हैं, प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं, डी ऑप्शन है, बीबी भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, ओ एम नविया। 51 देखते हैं, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? तो सी ऑप्शन है सही है, 26 मील, 385 गज। 52 देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव नव बिंदा, सी ऑप्शन सही है। 53 देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन है 29 अगस्त, ये मेजर वो। चलिए 54 देखते हैं, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म श्री सभी तत्व किए गए? तो पुलेला गोपी चंद, डी ऑप्शन सही है। 55 देखते हैं, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भैंस घाटी नहीं है? तो चंबल घाटी नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें, ताप्ती घाटी भैंस घाटी है, नर्मदा घाटी, सोन घाटी भैंस घाटी है। 56 मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ने हटा दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 57 निम्नलिखित में से कौन सी चंबल में नदी मिलती है? तो बेतवा नहीं मिलती है, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, जी चंबल नदी में मिलती है। 58 देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? तो झाबुआ है, ये ऑप्शन सही है। 59 देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु है तो मानसूनी है, डी ऑप्शन है इसमें। 60 देखते हैं, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो बी ऑप्शन है इसमें, तांबा। 61 देखते हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अलीराजपुर में है, सी ऑप्शन सही है। अब 62 देखते हैं, गुंजरी महल किसने बनवाया था? तो सी ऑप्शन सही है, मानसिंह। 63 देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सुजालपुर नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें। 64 देखते हैं, मध्य प्रदेश 2017-18 के बजट में MMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया? तो 700 करोड़, सी ऑप्शन है इसमें। 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो डिंडोरी, डी ऑप्शन है इसमें। 66 देखते हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? तो डी ऑप्शन है इसमें, पी के नरोन्हा, आर एस खन्ना रहे, बी के दुबे रहे, आर पी नाइक रहे। चलिए अगला देखते हैं, 67 मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1995 में, बी ऑप्शन सही है। 68 देखते हैं, तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में
वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है? तो सी ऑप्शन है IFAD। 69 देखते हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो सी ऑप्शन है 2010-11 में। 70 देखते हैं, एमपी इनक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई? तो डी ऑप्शन है 2016। 71वां देख लेते हैं, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन है इसमें इंदौर। 72 देख लेते हैं, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया? तो ए ऑप्शन है 10 घंटे। 73 देखते हैं, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। 74 देखते हैं, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज? ए ऑप्शन सही है। 75 देखते हैं, खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है? तो बी ऑप्शन सही है, पोर्टल। 76 देखते हैं, निम्नलिखित संक्षिप्त रूप में कौन सा सामान्य रूप से अवांछनीय जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो डी ऑप्शन है, स्पैम। 77 देखते हैं, एक जानबूझ कर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है? तो डी ऑप्शन है, वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो टेलीफोन नहीं है। सी ऑप्शन है इसमें, वीडियो कैमरा जरूरी है, डिस्प्ले डिवाइस जरूरी है, माइक्रोफोन जरूरी है। 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वर अपराध की दो आवश्यकताएं विशेषताएं हैं? तो बी ऑप्शन है, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। बी ऑप्शन सही है। 80 देखते हैं, शब्द का आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है? सी ऑप्शन सही है, केकर कहलाता है। 81 देखते हैं, जब किसी वेबसाइट के गया नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ 82 देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार की को परिभाषित किया गया? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, धारा 2 का खा। यहाँ बता दें हम आपको कि 1989 STSC एक्ट 11 सितंबर 1989 में पारित किया गया, 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय, 23 धाराएं, ये पूरे भारत में लागू होता है बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 83 देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो सी ऑप्शन धारा 18। ये 2018 के पहले था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि धारा 18 में अग्रिम जमानत भी मिलेगी। तो इसी पे अभी वो जो भी हुआ इतना बवाल धारा 18 पर जी हुई है। चलिए हम 84 देखते हैं, ये MPPSC ने गलत माना है जो भी हो। 85 देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभी कथन का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यात्रा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो ये ऑप्शन सही है, जिसमें अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। ये ऑप्शन सही है। 86 देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं? तो सी ऑप्शन सही है, 23। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया? तो बी ऑप्शन सही है, धारा 10 का। आपको यहाँ बता दें, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को 8 मई
1955 को पारित किया गया, 1 जून 1955 को लागू किया गया। इसमें 17 धाराएं संपूर्ण भारत में ये लागू होता है, जम्मू कश्मीर में भी ये लागू लागू होता है। 88 देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का अवबंध किया गया? तो डी ऑप्शन सही है, धारा 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया? तो सी ऑप्शन सही है, धारा 14 के। अब देखते हैं 90 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत में, ए ऑप्शन सही है। 91 बाद देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त किया गया। इसके बारे में बता दें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ, 2006 में इसमें संशोधन किया गया था, और 12 अक्टूबर 1993 मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसमें 8 अध्याय 43 धाराएं पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर राज्य की सूची में आने वाले विषयों को पर छोड़कर। देखते हैं, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो बी ऑप्शन भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। 93 देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, बी ऑप्शन सही है। 94 बाद देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178 और धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, सिविल न्यायालय। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 95वां क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग 100 प्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्त पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, सी ऑप्शन सही है। 96 देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के कोई असीन न्यायाधीश या कोई असीन जिला न्यायाधीश किससे के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन सही है, संबंधित तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन सही है। 97 देखते हैं, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो डी ऑप्शन सही है, राज्यपाल को। 58 देखते हैं, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, लोक सेवा। अब 99 देखते हैं, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार। 100वां देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशक्त बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बी ऑप्शन गलत है, राज्य के सशक्त बल शामिल नहीं, नौसेना शामिल, थलसेना, वायुसेना शामिल। तो चलिए दोस्तों, हमने आज 2018 का MPSC का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कर लिया है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं अब खत्म करते हैं।